हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ अलग टाइप का स्पीकर हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग भी करने वाले हैं, जो कि 600 वॉट का स्पीकर है। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डिमांड था कि आप 600 वॉट का स्पीकर अनबॉक्सिंग कीजिए, जो हमारे टॉप के लिए अच्छा हो, क्योंकि हम 1200-1300 वॉट का एक टॉप बनाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक 600 वॉट के स्पीकर को अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग भी करने वाले हैं। अगर दोनों तरफ से ये अच्छा मिले, क्योंकि ज़्यादातर जो 600 वाट के स्पीकर होते हैं उनमें बेस ज़्यादा आ जाती है, मिड जो होती है वो बहुत ज़्यादा कट होती है। लेकिन देखते हैं ये वाला स्पीकर किस तरह का रिस्पॉन्स करता है। ये वाला जो स्पीकर है ये ATI Pro की तरफ से है, YX सीरीज का, YX15X635। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो ये है दोस्तों ATI Pro की तरफ से YX सीरीज का एक 600 वाट का स्पीकर, जो कि 15 इंच के बास्केट में है। इसका मॉडल नंबर जो है ये YX15X635 है, और यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ लिखा गया है। जैसे कि इसमें जो कोन डला गया है ये कार्बन फाइबर का कोन है, और हाई एफिशिएंसी, लो डिस्टॉर्शन। यहाँ पे भी कुछ हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इम्पीडेंस 8 ओम से, पावर हैंडलिंग 600 वॉट है, नॉमिनल डायमीटर 15 इंच है, मैग्नेटिक सेरेमिक और सेंसिटिविटी 96 dB है, और इसका जो वॉइस कॉल डायमीटर है वो है 4 इंच। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए फास्ट फॉरवर्ड में हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो उसी तरह का कुछ पैकिंग के साथ ये हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि ATI Pro के स्पीकर की जिस तरह का पैकिंग होती है उसी तरह का पैकिंग इसको भी रखा गया है। और ये जो स्पीकर है इसके साथ थोड़ा सा ये रैपर जो है ये चिपक गया है, तो निकाल देते हैं। और यहाँ पे हमें पहले देखने को मिलता है ATI Pro का एक मोनोग्राम, जैसे कि लगभग हर स्पीकर में हमें इस तरह का मोनोग्राम देखने को मिलता है। तो पहले कुछ जान लेते हैं स्पीकर के बारे में, कि इसका पेपर कैसा है, इसका मैग्नेट कैसा है, फ्रेम कैसा है। तो हमें ये जो फ्रेम है ये कुछ नए डिज़ाइन के साथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक नए स्टाइल का बास्केट में फिट हो गया है। और यहाँ पे इसका वायर कनेक्टर अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रही है, और यहाँ पे रबर पैकिंग के साथ ये लेड वायर भी आता है, और इसका मैग्नेट का साइज भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। और ये एक 600 वाट का स्पीकर है, और यहाँ पे हमें वेंटिलेशन के लिए एक अलग ही स्टाइल का वेंटिलेशन गेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमें कुछ फोम वगैरह देखने को मिल रही है ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना जा पाए। और यहाँ पे ये जो बास्केट है बहुत ही अट्रैक्टिव कलर के साथ आता है, और इसका जो मैग्नेट का साइज है थिकनेस है बहुत ही सही रखा गया है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि ATI Pro की अलग स्पीकर में भी हमें देखने को मिलता था होलोग्राम, जिससे कि आपको ओरिजिनल होने की पहचान हो पाए। और ये है इसका TYOG, और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ATI Pro YX15X635 इसका मॉडल नंबर, और इम्पीडेंस 8 ओम्स, पावर हैंडलिंग 600 वॉट और मैक्सिमम पावर 1200 वॉट। लेकिन जैसे कि दूसरे सीरीज में हमें देखने को मिलती है हीट सिंक ATI Pro की तरफ से, इसमें आपको नहीं देखने को मिल रही है। अगर हमें इसमें भी हीट सिंक देखने को मिलता तो और भी अच्छा हो जाता ये स्पीकर। तो चलिए इसके पेपर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें जो पेपर है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल का पेपर देखने को मिल रहा है, जैसे कि अंदर की तरफ से बहुत ही हार्ड है, और इसका डस्ट कैप अच्छे से भी सील किया गया है, और ये साइड की तरफ से काफ़ी सॉफ्ट भी देखने को मिल रही है, इससे शायद हमें और भी मिड फ्रिक्वेंसी अच्छा मिल पाए। और इसका जो सस्पेंशन है ये अच्छी देखने को भी मिल रही है, और गैस्केट भी अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया गया है। चलिए एक क्लोज लुक देख लेते हैं इसके बारे में। ये अच्छे से सस्पेंशन कर रहा है स्पीकर, और ये काफ़ी पंची है, तो मुझे लगता है इसमें हमें मिड फ्रिक्वेंसी भी अच्छा सुनने को मिलेगा, और इस सस्पेंशन का भी जो मटेरियल है क्वालिटी अच्छी यूज़ की गई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्लोज लुक में इसका जो पेपर है
वो काफ़ी शाइनी और काफ़ी अच्छी मटेरियल का देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं ये स्पीकर हमें हर फ्रिक्वेंसी किस तरह का आउटपुट करता है, लो मिड सारे कुछ। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग किया और इसका टेस्टिंग भी किया। ये वाला जो स्पीकर है इसमें बेस का पंच बहुत ज़बरदस्त आता है और इसमें बहुत ही नीट एंड क्लीन मिड भी सुनने को मिला। जैसे कि मैंने इसके साथ और एक स्पीकर को भी टेस्ट किया था जो कि नियोडिमियम में था, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके कंपेरिजन में इसमें भी उसके आसपास मिड आपको सुनने में मिलता है। तो जितना ज़्यादा मिड फ्रिक्वेंसी रहेगी, जैसे कि 3.5 किलोहर्ट्ज़ से अगर थोड़ा सा ऊपर का मिलता है तो हम जब लाइव प्रोग्राम में काम करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ताकि हमारा जो वोकल है उसका जो वोकल पार्ट है वो हमें अच्छे से नीट एंड क्लीन सुनाई दे। नहीं तो अगर मिड फ्रिक्वेंसी कम रहता है तब भी वो दब जाता है। वो डीजे के लिए अच्छा रहता है लेकिन लाइव के लिए उतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन ये वाला जो स्पीकर है ये दोनों के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये लाइव में आप यूज़ कर सकते हैं या फिर डीजे में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पंच भी अच्छा मिलता है और मिड फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छे से आउटपुट भी होता है। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा प्रो ऑडियो बाजार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और प्रो ऑडियो बाजार फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, टेक एंड टेक्निक्स फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। हम वेबसाइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये स्पीकर के प्राइसिंग के बारे में जानना है, एक्चुअल में ये एक रिव्यू यूनिट है, ये नया लॉन्च हुआ है तो मुझे ठीक से भी इसका प्राइस पता नहीं है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी दे दूंगा और कुछ डीलर का हो सके तो नंबर भी दे दूंगा।
आप उनको कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर ईमेल करके आप पूछ सकते हैं अपने नियरेस्ट डीलर का पता और उनसे आप प्राइसिंग भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिला होगा और कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।